सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर स्वागत है अपने चैनल में। दिन का बाद ब्लॉगिंग कर रहा है क्योंकि ऐसा था कि ना ब्लॉगिंग करने का रीज़न क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा था मेरा। ये एग्ज़ाम जो जल्दी आ रहा है हम लोगों का, सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, इसलिए हम ये ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, नहीं तो कंटिन्यू करना था। और आज का हम लोग कॉन्टेंट और थंबनेल को देख के मालूम हो गया होगा आज हम लोग इसमें किसके ऊपर में ब्लॉग बनाने जा रहे हैं ना। आज का ब्लॉग है हम लोग का NCC फेयरवेल 20 बैच सीनियर लोग का। हम लोग 21 और 22 बैच लोग मिल के एक बहुत छोटा सा एक प्यारा सा एक फेयरवेल देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग पेनू जो है वो हमें डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में है, यहाँ ही है। हम घर से, क्योंकि आज घर से शुरुआत नहीं किया था, घर रहा हर ब्लॉक एक घर से शुरुआत करने समझ में आज थोड़ा खुला शुरू करेगा सोच के हम आया था। अभी हम लोग डॉन बॉस्को यूथ सेंटर जाएगा अंदर में। अभी वहाँ में कल हम लोग डेकोरेशन किया था, उसका भी आप क्लिप थोड़ा डाल देगा और आज सीनियर लोग को भी मिलाएगा। और हम लोग हम किस तरह से डेकोरेशन किया उसको आप लोग अच्छा से देखिए। एंड चेक आउट माय हैंडसम ST बॉयस रोहित लामा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से। ये है तो कुपा, इट्स वन ऑफ द जिम ट्रेनर है। ये है पीपल, और आपने बता दो। माय नेम इज पीपल एंड टुडे आई केम इन दिस फेयरवेल प्रोग्राम। वी आर वेरी एक्साइटेड टू कम। प्लीज लेके आओ ना, इट्स ऑनेस्ट। थैंक यू एवरीवन। एंड दिस वन हम लोग चाहते जाते मिलते ना उस तरफ अपना मंजिल की ओर। आप देख सकते हैं आप। ओके, अभी वहाँ में हम लोग पहुँच के डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में पहुँच के बेनू का जगह में पहुँच के वहाँ में अभी बनाएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स चेक आउट। ये साइड में वो मेन रास्ता से थोड़ा सा आगे आएगा तो यहाँ में मिलेगा DVYC डॉन बॉस्को यूथ सेंटर। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है वकंडा फॉरएवर। अभी थोड़ा सा आगे जाके फिर हम लोग बनाते हैं ना तो स्टोरेज बहुत खाएगा ना, आप लोग मालूम हो ये। हाँ, डॉन बॉस्को यूथ सेंटर ये ऊपर खोल में होगा हम लोग अभी आज का फेयरवेल जो हम लोग देने जा रहे हैं। ये ऊपर वाला फ्लोर, और यहाँ से व्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिखा, बाद में ऊपर जाके दिखाएगा, अभी थोड़ा इतना व्यू मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी डॉन बॉस्को यूथ सेंटर रहते देख सकते हैं। अभी हमें डॉन बॉस्को यूथ सेंटर उसको ऊपर में होगा, जितना बाहर से सुंदर देखते हैं उतना ही अंदर से भी सुंदर देखते हैं। आप लोग अभी अंदर जाएगा तभी मालूम होगा कितना सुंदर देख रहे हैं ना। अभी फोटो खींचो बोला, अभी थोड़ा फोटो खींच के फिर अंदर का बनाते हैं। लेट्स गो। बीच जो ऊपर जाने वाला रास्ता, और यह में जाने से मिलेगा आपका थोड़ा सा हम लोग किचन का मिलेगा, किचन रास्ता, किचन यहाँ से जाते हैं। लेट्स गो किचन के लिए। आज का खाना रहा ये सीनियर लोग के लिए बहुत बढ़िया से बनाया हम लोग। फाइनली ये खाना बना रहे सीनियर लोग, देख सकते हैं आप लोग सीनियर लोग। अभी ये खाना खत्म होने वाला है, हम लोग बना के रहा सीनियर और मेहनत से दुला रहे। खाना यहाँ में बना रहे आज के लिए, लंच के लिए। और ये रहा किचन। अब अंदर घुसते हैं हम लोग। ये रहा थोड़ा अंदर का गेट, मेन गेट, और ये वेलकम में। ये रहा हम लोग का छोटा सा जो कल ड्रॉइंग बनाया है हम NCC का, पृथ्वी लोग बहुत बढ़िया से है। आज का पेयर ऐसे जो है कि 90s ब्लॉग बनाया है। यूथ सेंटर है, अभी शुरुआत यहाँ से होता है। यहाँ से ऐसे होते जाके मिलेगा हम लोग एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा छोटा सा एक साइकिल आपको दिखाई देगा। हमें फोटो स्टूडियो कर सकते हैं और अंदर घुसने के लिए आप रेडी हो जाइए। नाउ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज का ये डेकोरेशन यहाँ में मेन ही आज यहाँ में होगा, जो फोटो अभी खींच रहे जो आज फोटो खींचेगा स्टूडियो का 90s का हीरो लोग का साथ है पूरा 90s ओल्ड स्कूल ना। अब देख सकते हैं काला छत्ता है और ऊपर से करके देख सकते हैं ये लोग का साथ। और ये रहा डेकोरेशन आज का, आज इसका अंदर होगा। आज हम लोग भी यहाँ में, आज तेरा भाई भी यहाँ में ट्रिप करेगा यो वाला। अभी अब पीछे वाला देख रहा हूँ बहुत सुंदर देख रहे हैं ना। और ज़्यादातर इस कल का भी हम लोग करने वाला जो वीडियो बनाया था उसका भी क्लिप डाल देगा हम। और ये रहा पीछे का मेन NCC फेयरवेल 20 बैच, आप देख सकते हैं। अभी तो इतना सुंदर नहीं है, बाद में डांस करेगा ना और भी सुंदर देखेगा।
ये होल जो बहुत बुरा है, क्योंकि हम लोग के डिपार्टमेंट का भी यहाँ मना रहता है, जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का हम लोग को यूज़ नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरा रहता ना इसलिए। ओके फिर, और ज़्यादातर सीनियर और अभी हम लोग का बेस्ट लोग, अभी ड्रेस भी नहीं, हमने सुबह 5 बजे 4 बजे से आगे काम कर रहा था, कोई मतलब हमें लंच के लिए रेडी कर रहा था, इसलिए तो अभी कोई कोई अपना रेडी करने गया जो ड्रेस भी नहीं गया। अभी हम बोला था व्यू आप लोगों को दिखाई देगा, बोलते चेकआउट करो व्यूज़ को, चेकआउट गाइस व्यूज़। आज का मौसम बहुत सुहाना है। ओके फिर थोड़ा वेट करके मिलते हैं ना अपना ब्लॉग को, थोड़ा वेट करके। ओके थोड़ा वेट करो। आई रिक्वेस्ट वेलकम स्पीच बाय। आज का लाइन अप देखिए, ये 22 बैच और 21 बैच आगे में और सीनियर लोग वहाँ में आ रहे हैं, और ये रहा बेंगा यहाँ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ DNGC। अभी हमें हम लोग लाइन अप करिए, लाइन अप करके बैठे। HW ये रहा, HT बहुत ज़्यादा है आज, आज क्यों HT सबसे ज़्यादा है। ओके वी आर वेटिंग फॉर सीनियर 20 सीनियर। सीनियर्स आ चुका है बाहर में, अभी हम लोग वेट कर रहा है, वी आर चेकिंग फॉर अपडेट्स। आप लोग देख सकते हो सीनियर लोग आ गया, अभी हमें छोटा सा देख रहा होगा हमें, नानू सीनियर भी आ चुका है अभी। नाउ वी आर वेटिंग फॉर, आप लोग देख रहे हो सीनियर्स आ रहे हैं अभी, देख रहे हो वाओ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। नाउ कमिंग हैपनिंग, थोड़ा सा ही तो वाओ वाओ वाओ।
लकी गोरी बा सबको जय हिंद। इतना अच्छा मतलब बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन इमेजिनेशन ये प्रोग्राम जो है, और आप लोग इतना सुंदर सुंदर होके आए। हमने कोशिश किया था देवानंद बन के आने के लिए, लेकिन मेरा बेस्ट प्लान को जोन बना दिया। ऊपर आपको बहुत मैच है Thank you.
सीनियर का व्यू ऊपर जाते हैं ऊपर का हवा में हाथ हाथ चार हमें सांग
सोलो गाइस वेलकम बैक। अभी हम लोग का लंच तो खत्म हो गया, लंच तो खा लिया, सीनियर लोग भी खा लिया और हम लोग भी खा लिया। अभी थोड़ा सा और थोड़ा कुछ प्रोग्राम होगा, केक भी कटिंग किया था अभी, फिर मैं बात नहीं किया था ये ब्लॉक में, ऐसे था कि बहुत साउंड था ना, बात करने नहीं सकता। ऐसे अभी भी बाहर आके, बहुत बाहर आके, बहुत ज़्यादा दूर आके हम बात कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए अभी हम लोग जाएगा फिर अंदर में, फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, आज का दिन कैसे जा रहे ना। ओके आगे सब डांस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बर्तन धुला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये मेन वर्कर है आज का। सीनियर लोग भी झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग कर करके काम खत्म। तुम अच्छा बर्तन देता है लेकिन